Good morning, friends. This is your host Ashish Burwa from Burwa's Way. Today is 20th July 2022. Currency pre-market analysis pe aap sabhi ka swagat hai. Please watch till the end to get the most information. Before we start, please like the video as it inspires me to put more effort and make new, better, creative and effective content for you. Without much delay, let's start. डॉलर इंडेक्स अभी है 106.55। पिछले तीन दिनों में काफी सॉफ्टनेस दिखा गया है, लेकिन अभी भी प्राइम सपोर्ट लेवल बरकरार है, दैट इज योर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे, क्योंकि अभी और एक प्रोबेबल सपोर्ट हमारे सामने है, दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल एंड दिस इज द ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल। ये पर्टिकुलर दो लेवल्स जो है इसके नीचे जब तक नहीं आता है तो सॉफ्टनेस का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। एंड स्पेसिफिकली 26th and 27th of जुलाई जहां पे हमें फेड का रेट डिसीजंस का इंतजार है, उससे पहले कल है दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस, दैट इज द बीओजी रेट डिसीजंस एंड ईसीबी रेट डिसीजंस। मार्केट चैटर सेड दैट ईसीबी में हाइक द रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट्स, इसीलिए हम देखेंगे कि यूरो में भी काफी उछाल देखा गया है। पेरिटी के नीचे जो था वो आपका 1.20250 के ऊपर भी चला गया था। डॉलर रुपी में ज्यादा कुछ एक्टिविटीज दिख नहीं रहा है, ये नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि कल एक छोटा सा सॉफ्टनेस देखा गया, लेकिन वो भी पिछले दिनों का लोस को तोड़ नहीं पा रहा है। दैट शोज दैट आप अगर यहां से देखोगे, आपका 7th जुलाई लेवल से देखोगे, इसका जो लो है कंटिन्यूअसली हायर लो बना रहा है एंड प्रीवियस लो को छू नहीं पा रहा है। दैट शोज द स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे अभी सेलिंग का कोई मींस बड़ा लेवल का सेलिंग का कोई नामो निशान है नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट आपका जब तक आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बनाएगा तब तक बड़ा सेलिंग के लिए हमें कुछ इंडिकेशंस, रुपी एप्रिसिएशन के लिए कोई इंडिकेशंस हमारे नजर पे है नहीं। हाँ, इंट्राडे में 10-20-30 पैसे का ऊपर नीचे का मूवमेंट कभी भी हो सकता है। जीबीपी डॉलर में भी आप बॉटम लेवल था आपका 1.0759, अभी है 1.2027। जैसे कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन था कि जब तक ये जो सेलिंग कैंडल है 11 जुलाई का, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देगा तब तक यहाँ पे कुछ बाइंग अच्छा खासा देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी BOE भी यहाँ पे रेट हाइक का बातचीत चल रहा है टू टेम द इन्फ्लेशन में पॉसिबली 50 बेसिस पॉइंट्स का, इसमें भी काफी बिकॉज ऑफ विच लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिख रहा है। हमें इंतजार है बेसिकली आपका कल का BOJ एंड ECB का। यूरो डॉलर में हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 11 जुलाई के हाई के ऊपर जो कल क्लोज दे चुका है, आज भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ रहने का संभावना है और कल इसी भी शाम के टाइम में जो आएगा उसके डेटा के बाद फर्दर मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में कल नीचे आया आपका 137.38 तक, लेकिन फिर क्लोज ऊपर ही दे दिया है 138.15 पे, अभी है 138.11। तो यहाँ पर भी खास कुछ दिख नहीं रहा है। कल सुबह BOJ देखते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। GBP INR में आपका ये जो 11 जुलाई का हाई के ऊपर तो क्लोज दे दिया था, लेकिन ऊपर लेवल में काफी प्राइस रिजेक्शंस था, इसके लिए हमने बोला था कि जब तक ये इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखो 19 जुलाई एक इनसाइड बार कैंडल बनाया है, इनसाइड बार टू 18 जुलाई,
इसके हाई के ऊपर यानी आपका 18 जुलाई के हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज दे देगा, हमारा इमीडिएट जो टारगेट है 98.96.50 एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशन से 98.00 के तरफ जो हमारा पहले का एक्सपेक्टेशंस था। यूरो आईएनआर ये आपका 11 जुलाई के हाई के ऊपर परसों ही यानी 18 जुलाई ही क्लोज दे चुका है। उसके बाद आपका ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था इसके ऊपर भी क्लोज दे चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है 82.50 एंड यहाँ पे कल ईसीबी से पहले काफी कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज बोथ यूरो डॉलर एज वेल एज डॉलर रूपी। जेपीवाई आईएनआर कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशंस क्या रहा है हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज द इनिशियल साइन ऑफ रेन शिफ्ट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो हमें थोड़ा सा बाइंग के लिए अभी मूड बनाना चाहिए। हालांकि काफी टाइम से मैं बाइंग के लिए बोल रहा था लेकिन वैसा ड्रास्टिक बाइंग हो नहीं रहा है। मींस ड्रास्टिक बाइंग बोले तो अभी जैसे है 0.5780 ड्रास्टिक बाइंग, आई मीन कि आपका 0.60 की तरफ जाएगा देन 0.6150 की तरफ जाएगा, उस टाइप का मूवमेंट। तो उसके लिए प्राइस कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद एक आइदर साइड मोमेंटम देने का एक्सपेक्टेशंस है, उसके लिए हमें इंतजार है। डॉलर कैंडी आपका ये देखो 15 जुलाई यहाँ पे निगेट कर गया था, उसके बाद नीचे के नीचे ही आ रहा था। कल मींस 18 जुलाई में लो मारा था आपका 1.2898, उसके बाद फिर क्लोज ऊपर दे दिया था 1.2976 एंड कल देखो कि वो कल परसों का जो प्राइस रिजेक्शंस था उसके नीचे क्लोज दे दिया है। व्हाट इज सिग्निफाइज, एक दिन पहले प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा था, बायर्स ने इतना ट्रिमेंडस बाई किया था लोअर लेवल से कि वे फिर दोबारा ऊपर आके क्लोज दिया था यहां तक एंड कल उसी चैलेंज को दोबारा चैलेंज किया सेलर्स ने एंड ये जो बायिंग लेवल जहां पे था उसके नीचे जाके क्लोज दे दिया। What it means, यहाँ पे sellers are very strong. इसका indications यही है कि अभी हमारा immediate जो target है 1.28 वो काफी जल्दी आना चाहिए as per the price actions. And उसके बाद हमें देखना है इसके नीचे के तरफ जब आएगा उसके बाद फिर हमारा नया calculations चालू होगा। Aussie dollar में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अच्छा खासा कल एक strength दिखा गया है and it traded in between 0.6802 and 0.6912 and abhi ye immediate jo hamara resistance level hoga ye aapka 0.6980 ki taraf and uske baad aayega aapka 0.7050 jo these two are the immediate resistance levels. To abhi काफी पेयर्स में काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है एंड उसी का उल्टा है जो डॉलर इंडेक्स में काफी सॉफ्टनेस पिछले 3 दिनों में देखा गया है। अभी हमारा सीएनएच में क्या है, ये जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद पिछले 3 दिनों में इस कैंडल के अंदर में ही 3 कैंडल्स कंसोलिडेट किया है। व्हाट इट सिग्निफाइज, काफी ज्यादा कंसोलिडेशन एंड वंस ये जो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन है यानी ये मदर कैंडल दैट इज द 14 जुलाई का मदर कैंडल, इसके बाहर जब ही जाएगा आइदर साइड आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड तो जैसे ही जाएगा एक मोमेंटम देगा एंड नीचे की तरफ अगर लो को तोड़ता है देन इमीडिएट जो हमारा टारगेट हो सकता है 6.66 एंड 6.6250 के तरफ हो सकता है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 6.8050 का रेजिस्टेंस है एंड 6.85 का रेजिस्टेंस है। यूके ऑयल हमारा जो यहाँ पे पिन बार 14 जुलाई का जो हमने देखा था उसके बाद हमारा इमीडिएट जो टारगेट था दैट इज 107.40 जो आ चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है ये है 113.50 एंड आपका 118.00। तो यहाँ पे देखना है कि आपका ये मींस
यहां तक आता है या नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात है कि प्राइस कहाँ पे आया। जिन्होंने भी हमारा ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप देखा, उनको शायद क्लिक करेगा कि देखो ये लोअर बैंड से जाके फिर सेंटर बैंड में आया है। अभी यहाँ पे इट इज ए ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला कैंडिडेट, नीचे का शॉर्ट होगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, बट इट्स ए प्राइम कैंडिडेट। अभी लोअर टाइम फ्रेम में दैट इज 4 आवरली पे हमें जाके देखना है कि ये जो सपोर्ट लेवल बनाया है, सपोर्ट लेवल कैसे बनाएंगे, आपका लोस को कनेक्ट करके सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है देन इट इज ट्रिगरिंग द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। इन सच ए केस हमारा जो दोबारा टारगेट आएगा 96.50 से 97.00, एंड इन सच ए केस द स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ 19 जुलाई मदर कैंडल। तो अभी भी ये ट्रिगर हुआ नहीं, ट्रिगर कब होगा, ट्रिगर होगा आपका ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब 4 आवरली में क्लोज दे देगा, एंड इन सच ए केस हमारा टारगेट होगा लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड दैट इज 96.50 से 97.00, एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे जो भी स्विंग हाई है उसके हाई के ऊपर। सो इट्स द ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप का कैंडिडेट है, ट्रिगर नहीं हुआ है। एक है प्रोबेबिलिटी यानी सेटअप हो सकता है, एंड एक बार वो 4 आवरली के नीचे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देगा देन इट विल ट्रिगर द सेटअप। 10 ईयर US ट्रेजरी कल ऊपर की तरफ, 2 दिन में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था 26 एंड 27 का जो फेड रेट का पॉलिसी डिसीजन है उससे पहले थोड़ा सा बोथ साइड होगा। हमारा जो आपका अभी इमीडिएट टारगेट है इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए, कहाँ पे 3.11, अगर देगा तो जो जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो लोअर है लोअर लो निगेट कर जाएगा, इन सच सिनेरियो वोलेटिलिटी विल प्रिवेल। और हमें देखना है कि ये पार्टिकुलर लेवल दैट इज आपका 2.75 के नीचे अगर क्लोज दे देगा तो ये लोअर है लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा। सो रिपीटेडली आई एम टेलिंग द सेम टाइप ऑफ स्टोरी अबाउट दिस पर्टिकुलर US 10-year ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट। तो हमें अभी 27 तक काफी वॉलिटिलिटी देखेगा, लेकिन उस वॉलिटिलिटी में भी हमें देखना है कि इसका हाई ना तोड़े। तो करेंसी प्रीमियर के एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, इट हेल्प्स आउट ग्रेटली। थैंक यू अगेन, दिस इज आशीष बोरुआ फ्रॉम बोरुआज में साइनिंग ऑफ।